झाझा के नागी डैम में मां बेटे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। झाझा के नागी डैम में मां बेटे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बड़ी खबर झाझा से है, जहां झाझा थाना इलाके के नागी डैम में सुबह मां और बेटे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष संजय कुमार, सब इंस्पेक्टर कुंज बिहारी व नंदन कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मृतका की पहचान झाझा के करमा गाँव की रहने वाली पप्पू यादव की पत्नी रीना देवी और उसके 1.5 वर्ष के पुत्र परंजय कुमार के रूप में हुई है। मृतका के पति का कहना है कि उसकी पत्नी कल दोपहर से लापता थी, जिसकी खोजबीन हम लोगों कर रहे थे परंतु कोई भी पता नहीं चल पाया। इधर मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा दामाद पैसे को लेकर मेरी बेटी पर हमेशा दबाव बनाता था और जान से मारने की धमकी देता था। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर गंभीरता से तफ्तीश कर रही है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जमुई से कुमार हर्ष की रिपोर्ट। रहगरा गांव की महिला है, उसके परिजन भी आए हुए हैं और अपने बच्चे के साथ प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या का ही मामला लग रहा है, लेकिन उसके पति को डिटेन किया गया है। पति पत्नी पारिवारिक विवाद के चलते। कहाँ की है? करहरा की है। बच्चा कितना साल का है? 1.5 साल का बच्चा है। क्या नाम है मृतका का? मृतका का नाम है, क्या नाम है? रिंकू देवी। प्रियांश बच्चा का नाम है। इसकी कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी? गुम होने नहीं, जब सब डैम से बाहर आया तो ग्रामीणों द्वारा फोन से सूचित किया गया कि एक बच्चा का, पहले तो सूचित किया गया कि एक बच्चा का शव। मृतका के स्वजन को कुछ कहना है? पहले पुलिस को सूचना दी गई एक बच्चे का शव है, बच्चे उसके बाद दूसरे में लगा गया कि जब यहाँ आया गया तो महिला भी दिखाई दी। क्या लगता है सर? पारिवारिक विवाद, शव को पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। अच्छा, उसका बाद में जो है लड़ाई झगड़ा किया, बरसुखी ने मारपीट किया। कौन मारपीट किया? दामाद। क्या नाम है दामाद का? पप्पू यादव। हाँ, किस बात को लेकर मारपीट हो रहा था? वो बोल रहा था कि बीड़ी बनाया, पैसा क्या किए, पैसा दीजिए। अच्छा ठीक, बीड़ी बनाया, पैसा क्या किया, पैसा दीजिए। बीड़ी कौन बनाती थी? बीड़ी बनाते थे ये। आपकी बेटी? बेटी। हाँ, बेटी का रिंकू देवी। कितना रुपए का विवाद था? 2200 के 2200। उसका बाद में जो है पहले भी बोल रहा था कि दहेज दीजिए, दहेज के कारण जो है आपका पैसा नहीं दीजिएगा, जो बर्तन जो गच्छा हुआ नहीं दीजिएगा, जान मार देंगे। शादी कब हुआ था आपकी बेटी का? शादी हुआ सर, मान के चलिए 10 साल हुआ। 10 साल हो गया। हाँ। तो लगातार दहेज के लिए दबाव कर डाल रहा था क्या? हाँ। ये उसका बाद जो बच्चा जो है सर 3 साल का, और पहला ही बच्चा है कि? और पहला बच्चा। क्या क्या मांग कर रहा था दहेज में आपका दामाद? बोला कि गाड़ी दीजिए, पैसा दीजिए। कितना पैसा मांग रहा था? 2 लाख रुपया दीजिए। 2 लाख रुपया, मैंने जब से शादी किया तब से पैसे की मांग हो रही थी क्या? हाँ। उसके बाद सास भी जो है इसका अन खान करता था, हम लोग जाते थे संध्या बुझा देते थे, हम लोग गरीब आदमी है सर, माल रोते हैं और हम कुली वाला काम करते हैं। हम बोले ठीक है, बताइए ना किधर उधर कुछ करके करके आपको व्यवस्था देंगे। क्या लगता है आपकी बेटी को पूरा ससुराल वाला प्रताड़ित कर रहा था क्या? पूरा ससुराल वाला ही आपकी बेटी को? रुके। कौन कौन था ससुराल में? कौन कौन आपकी बेटी क्या सूचना देती थी? कौन कौन उनके साथ मारपीट करता था? सास करता था। क्या नाम है मृतका के साथ? सास का नाम हमारा पता नहीं है सर। समधी का क्या नाम है? सतलायन यादव। सब क्या समझे? गायब थी लड़की आपकी बेटी? बेटी हमारा गायब हुआ वहाँ से जो है कर्मा बड़वा से कल 10 बजे जो है। कल दिन में 10 बजे। अच्छा, अभी आपको कैसे पता चला? उसका बाद जो है हम जो कल 6 बजे हमारा फोन किया, 6 बजे फोन करने बाद में जो हम सोचे कि सर तो 6 बजे रात में हम कहीं खोजेंगे, तो सुबह हुआ तो इधर उधर पूरा जो है छान मारे उनका घर गए। घर जाने बाद में वो जो है बैठल था, हम कहें बैठने से क्या होगा, इधर उधर खोजिए कहाँ है। तब बोला ठीक है हम खोज रहे हैं, बोले ठीक है। उसके बाद हम घर आए, घर आने के बाद में जो है चौक पर हम बैठल थे, इधर से हवा चला कि नागी डैम पर एगो बच्चा फेंका हुआ है। हम बोले ठीक है जाकर के देखते हैं। ससुराल वाले खोज नहीं रहे थे उसको? नहीं खोज रहा था। अच्छा, और अभी भी जब आया वो उनका पति तो यहाँ से 112 सर खड़ा था, उसका बाद देख लिया वहाँ से भागना शुरू किया। उसके बाद हम बोले कि देखिए उसका पति। आपको क्या लगता है मौत का कारण क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी का आत्महत्या किया या हत्या किया? क्या लगता है आपको? मार दिया। कौन मारा? दामाद। दामाद मारा सर, संधीन मारा है। संधीन की नाम? सतलायन यादव। सास का? अरे समधियान का?
अंधियान के नाम का पता ना है। पैसा क्या क्या पैसा दीजिए। बीड़ी कौन बनाती थी? बीड़ी बनाते थे ये आपकी बेटी? बेटी। क्या नाम है बेटी का? रिंकू देवी। कितना रुपए का विवाद था? 2200 की। उसका बाद में जो है पहले भी बोल रहा था कि दहेज दीजिए, दहेज के कारण जो है आपका पैसा नहीं दीजिएगा, अगर जो बर्तन जो गच्छा हुआ नहीं दीजिएगा तो जान मार दे। शादी कब हुआ था आपकी बेटी का? शादी हुआ सर मान के चलिए 10 साल हुआ। 10 साल हो गया। तो लगातार दहेज के लिए दबाव कर डाल रहा था क्या ये लोग? कितना बाल बच्चा है? बच्चा जो है सर 3 साल का। और पहला ये बच्चा है क्या? पहले बच्चा। पहला बच्चा क्या क्या मांग कर रहा था दहेज में आपका? दबाव बोला कि गाड़ी दीजिए, पैसा दीजिए। कितना पैसा मांग रहा था? 2 लाख रुपया दीजिए। 2 लाख। मैंने जब से शादी के तब से पैसे की मांग हो रही थी क्या? अच्छा। सास भी जो है इसका आन खान करता था, हम लोग जाते थे समझा बुझाते थे कि हम लोग गरीब आदमी है सर, माल ढोते हैं और हम कुली वाला काम करते हैं। हम बोले ठीक है बताइए ना, इधर उधर कुछ करके आपको व्यवस्था देंगे। क्या लगता है आपकी बेटी को पूरा ससुराल वाला प्रताड़ित कर रहा था क्या?